ये तीन बातें शीशे से सीखिए, कभी दुखी नहीं रहोगे। मित्रों, शीशे की इन तीन बातों को याद कर लिया तो जीवन सुधर जाएगा। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज मैं आपको आपके जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूँ, जिन्हें यदि आपने ठीक से सुन लिया और समझ लिया तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। सज्जनों, दर्पण तो आपने देखा ही होगा और हर रोज देखते होंगे, शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसमें शीशा ना हो। वैसे तो हर एक घर में शीशा मौजूद होता है। इसका अर्थ ये हुआ, यदि शीशा सबके घरों में होता है तो अवश्य ही शीशा सबको प्रिय लगता है। सज्जनों, शीशा हमें प्रिय क्यों लगता है? शीशा हमें इसलिए प्रिय लगता है कि वो हमेशा सत्य बोलता है और निडर रहता है। उसे जो कहना है वही कहेगा, उसे अपने टूटने का डर नहीं है। यदि हम उसके टुकड़े टुकड़े भी कर डालें तो भी वो सत्य ही बोलेगा। शीशे में यह एक विशेष गुण होता है, दुख में या सुख में, संकट में वो कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए हम सब लोग उसे प्यार करते हैं। निडरता उसके अंदर ये है कि आप जैसे होते हो वो बेझिझक आपको वैसा ही बताता है। वो ये नहीं सोचता कि अरे ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है, अगर इसे उल्टा सीधा बता दिया तो ये गुस्से में हमें तोड़ डालेगा। वो ये नहीं देखता कि तुम बहुत कुरूप हो, क्यों ना इनसे झूठ बोल दूं तो ये बड़े प्रसन्न होंगे। उसे किसी धनवान का, किसी बलवान का, किसी रूपवान का कोई डर नहीं है। वो आपके दोषों को आपके मुंह पर ही बोलता है, आपकी बुराइयों को तुरंत दिखा देता है। इसीलिए कहते हैं, सांच को कोई आँच नहीं, सत्य हमेशा निर्भय होता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बुराई कर दे, आप में दोष बता दे, तो वो आपको बहुत बुरा लगेगा। हो सकता है कि वो आपसे लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि उसने आपके दोष बता दिए, इसीलिए वो बुरा है। यही तो प्रॉब्लम है कि हम हमेशा अपनी बुराइयों को ना सुनकर अच्छाइयों को सुनना चाहते हैं। मतलब साफ है, हम सामने वाले के मुख से झूठ सुनना चाहते हैं, तभी वो हमें प्रिय लगता है। सच बोलने वाला हमेशा बुरा लगता है, क्योंकि हमें सच सुनना ही नहीं है। अब सवाल ये है कि जो दूसरा व्यक्ति हमें हमारी कमियां बता रहा है वो हमें बुरा क्यों लग रहा है? हमें तो उसका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने हमारी कमियां बताई। सज्जनों, वह व्यक्ति हमें इसलिए बुरा लगता है कि वो आपकी गलतियां गिना रहा है, परंतु उसने कभी अपनी गलतियां नहीं देखी। वो आपको तो आईना दिखा रहा है पर स्वयं नहीं देखा। हम लोग हमेशा दूसरों को शीशा दिखाते हैं। यही कारण है कि आपके सच कहने पर भी उसे आपकी बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जानता है कि उससे ज्यादा बुराई आपके अंदर भी है। यदि हम अपने अपने दोषों को देखें और उनका सुधार करें तो हम भी उस शीशे की तरह हर किसी को प्रिय लगने लगेंगे। शीशा तीसरी शिक्षा ये देता है कि जिस प्रकार शीशे पे धूल पड़ने के कारण उसमें मुख धुंधला दिखाई देता है, उसी तरह मनुष्यों में भी पाप कर्म करते करते, झूठ बोलते बोलते, दूसरों की बुराई करते करते जो उसके ज्ञान चक्षुओं पर पाप रूपी धूल जम जाती है, इसलिए उसे सत्य प्रतीत नहीं होता। सज्जनों, ये बात 100% सत्य है कि अधर्म करने वाले को, गंदा सोचने वाले को, हिंसा करने वाले को, पाप की कमाई खाने वाले को सत्य और शुभ कर्म से नफरत होती है, क्योंकि उसे कभी सच्चाई अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा सच्चाई को दबाने का प्रयास तो करेगा, शीशे पर धूल तो डालेगा, पर शीशा साफ करके उस सच्चाई से आमना सामना नहीं कर सकता। एक रूप से देखा जाए तो शीशा हम सबका गुरु है, उसे देखकर हमें ज्ञान होता है, तभी हम अपना सुधार करते हैं। इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। एक बेस्या थी, बेस्या बहुत सुंदर थी। जब वो जवान थी तो बहुत सुंदर दिखती थी, हजारों लोग उसके दीवाने थे, हजारों लोग उस पर जान छिड़कते थे उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए सैकड़ों लोग उसके द्वार पर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। रोज रोज लाखों रुपए रोज लोग उस पर बरसाते थे। धीरे धीरे जब वो बूढ़ी हो गई तो लोगों ने उसके दर पर जाना छोड़ दिया। अब तो कोई उसके द्वार पर नहीं जाता था, कोई उस पर पैसे नहीं लुटाता था। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए। एक दिन उसने शीशा देखा और शीशे में उसने अपने आप को देखा तो सोचने लगी,
ये चेहरा जिस पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, ये वही चेहरा है जिस पर लाखों लोग जान छिड़कते थे, लाखों लोग जिसे देखने के लिए लालायत रहते थे, हजारों लोग मेरे द्वार पर आते रहते थे, हजारों मुझ पर दौलत लुटाते थे। अब मैं बूढ़ी हो गई तो मुझे कोई पूछता तक नहीं। हे सीसा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। ये दुनिया के लोग तो सब मतलबी निकले, जब तक मैं सुंदर थी तब तक वो मेरे थे, अब मुझे कोई देखने नहीं आता कि मैं भूखी हूँ या प्यासी हूँ। अब तो बुढ़ापे में एक ही सहारा है, सिर्फ ईश्वर। हे ईश्वर, जितना प्रेम मैंने दुनिया वालों से किया, यदि उतना मैं तुमसे कर लेती तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि चाहे मैं बूढ़ी हो जाती तो भी तुम मुझे नहीं छोड़ते। दुनिया के लोग तो सिर्फ तन के और धन के भूखे होते हैं, मन का भूखा कोई नहीं होता। आज से मैं तुम्हारी शरण में आ गई। उस शीशे की शिक्षा से वो बेस्या भगवान के धाम को प्राप्त हुई, उसका उद्धार हो गया। मित्रों, यदि इस कहानी से आपने कुछ सीख ली हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ, तब तक इंतजार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।